देख रहे हैं आधार म्यूजिक क्लासेस। मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नॉन रिजिड रोटर। नॉन रिजिड रोटर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता रहे हैं। एक हमारा इंट्रो हो जाएगा, दूसरा इसका कैलकुलेशन, ठीक है। इससे पहले हमने आपको रिजिड रोटर पढ़ाया था। रिजिड रोटर का वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रिजिड रोटर का वीडियो नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि कुछ पार्ट इनसे क्या है रिलेटेड है। तो रिजिड रोटर में क्या होता था, उसके बीच का क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस चेंज नहीं होता था। बट इसमें क्या होता है, नॉन रिजिड रोटर में उसका बीच का क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस चेंज होता है। किसमें होता है, तो नॉन रिजिड रोटर में। ये याद रखिएगा, दो डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉन रिजिड रोटर में बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, क्योंकि नॉन रिजिड रोटर के दौरान जब रोटेट करता है तो रोटेट करता है तो इसको क्या होता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलता है तो क्या करता है, एनर्जी के कारण इसमें सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स क्रिएट होता है, तो क्या होता है, बी के मान डिक्रीज हो जाता है। अब बी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो हमारे पास क्या था, एक स्पेक्ट्रल लाइन था। रिजिड रोटर में हम पढ़े थे दो स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, इसका बीच का जो वैल्यू था उसका वैल्यू था बी, है ना। जैसे जैसे हम जे का वैल्यू हम जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बी का मान डिक्रीज होते जाएगा। तो हमारे पास ये बी आ गया। बी का वैल्यू हम क्या बताए थे, तो एच पाई डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू क्या होता है, एच पाई डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई 8 पाई आई सी। आई क्या था, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू क्या था, म्यू आर स्क्वेयर, ठीक है। अब म्यू आर स्क्वेयर को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एच पाई और क्या हो जाएगा हमारा, म्यू आर का स्क्वेयर सी, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, एच पाई 8 पाई यहाँ देखो और ये सी हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इतना वैल्यू को अपन को भूल जाना है। तो हमारे पास क्या बच गया, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू आर का स्क्वेयर। अब म्यू क्या है, हमारा रेडियस मास देखे थे। म्यू यहाँ पे देखो, म्यू क्या बताए थे आपको, म्यू बताए थे M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो क्या है हमारा M1 M2 एक दूसरे का, ये क्या है हमारे पास डायटॉमिक का मॉलिक्यूल का मास था, ठीक है, मास था। ये भी चेंज नहीं हो रहा है, एक का वैल्यू M1 है दूसरे का वैल्यू M2 है, तो चेंज तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इन्वर्सली क्या हो जाएगा हमारे पास, आर। ये बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर हो जाएगा। जब आर का मान चेंज होगा तो बी का मान क्या हो जाएगा, कम होगा, या आर का वैल्यू जब बढ़ेगा तो बी का मान कम होगा। एक दूसरे के जब एक अपोजिट है, जब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक घटेगा। तो यही है, देखो जब क्या होता है, इसमें केवल बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। नॉन रिजिड रोटर में बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा होता है क्योंकि रोटेशन के दौरान इनको एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलता है तो क्या होता है, इनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्रिएट होता है, तो क्या होता है, बी का मान हमारा डिक्रीज होता है। यहाँ तक हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। बी के वैल्यू हमने सबसे पहले निकाले, तो बी बराबर क्या होता है, हम रिजिड रोटर में इसको क्या कर लिए हैं, इसको पहले हम निकाल चुके हैं, एच डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वेयर आई सी। आई क्या है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसका वैल्यू क्या है, म्यू आर का स्क्वेयर, ठीक है, म्यू आर का स्क्वेयर। और क्या, इसको जो मान में रख दिए, कुछ नहीं किए हैं। अब देखो, एच डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वेयर सी, ठीक है। इतना हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। अब हमारा बचा क्या, तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या हो जाएगा, म्यू आर स्क्वेयर। म्यू के हम क्या निकाले थे, रिड्यूस मास, जिसका वैल्यू क्या था, M1 M2 M+ डिवाइडेड बाई M+ M2, जो कि क्या है, एक दूसरे का, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या है, मास है। दो मॉलिक्यूल का मास है जो कि चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है, एक का मास M1 दूसरे का मास M2 है, तो इसको भी क्या करना है, अपन को कांस्टेंट मानना है। तो हमारे पास बचा क्या, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया है, देखो यहाँ तक समझ लिए। अब नॉन रिजिड रोटर एनर्जी निकालने के लिए हमें कंसंट्रेशन डी, ठीक है, कंसंट्रेटर एक लेते हैं डी, जो कि क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट लेते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा, क्या होता है, जो रिजिड रोटर है उसको हमको क्या करना है, उसका वैल्यू को अपन को घटाना है। तो क्या किए हैं, देखो ईजे लिए हैं, ईजे देखो ये बार है, बार को वैल्यू हम बार बार बता रहे हैं। बार का वैल्यू हम क्यों लेते हैं, बार क्यों लगाते हैं, किसी भी संख्या में हम बार क्यों लगाते हैं, तो बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो संख्या बार बार हमारे पास आता है, ठीक है। बार का बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ये मैथमेटिकल है थोड़ा सा, अपन एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपको। जैसे क्या होता है,
100 को हम क्या किए हैं, 33 से भाग दे दिए 33 से, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 33.33। अब ये क्या है, ये उधर पूरा जीते जाते जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या लिखते हैं, केवल 2 लिखते हैं। एक्चुअल में इसके ऊपर में क्या होता है, बार होता है, मतलब जो संख्या बार 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 आता है तो उसको हमको बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, बार, ठीक है। तो यही यह हुआ है, ई जे हमारे पास एक बार आया है, ई बार जे, है ना, ई बार जे आया है। एक इक्वेशन हमको मिला है, बी जे कोष्टक में रहेगा, जे प्लस वन। यहाँ तक क्या होता है हमारा, ये देखो, यहाँ तक हमारा क्या होगा, यहाँ तक हमको रिजिट रोटर की तरह, हमको इक्वेशन की तरह हमारा ये बिहेव कर रहा है। तो हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन को हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो डी हो जाएगा जे का स्क्वेयर हो जाएगा, कोष्टक में हमारा जे प्लस वन का स्क्वेयर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन में डी देखो, ये डी का वैल्यू क्या होता है, 4 4 बी का हमारा क्यूब हो जाएगा, 4 बी का क्यूब अपान न्यू नाट का स्क्वेयर, न्यू नाट का स्क्वेयर, जिसका वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू है ना, ये पूरे का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल होता है, स्मॉल आता है, वेरी स्मॉल आता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। अब क्या होता है हमारा, देखो न्यू नाट क्या है, न्यू नाट हमारा छोटा है बी से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, बी क्या हो जाएगा, ये डी। यहाँ तक आ गया समझ, कुछ नहीं किए हैं, केवल यहाँ तक हम क्या किए हैं, वैल्यू रखते गए हैं और ये आ गया है, ठीक है। रिजिड रोटर आप पढ़ोगे तभी नॉन रिजिड रोटर आपको समझ आने वाला है, ठीक है। रिजिड रोटर एक बार जरूर देखेंगे, ताकि वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। कुछ नहीं किए हैं राज रिजिड रोटर में, उसमें क्या होता है, हमारा बाउंड लेंथ का डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें चेंज होता है, क्योंकि क्या होता है, जब रोटेशन होता है तो इसको एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलता है तो क्या होता है, इसमें एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, बी का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। बी का वैल्यू हमारे पास ये कम हो जाता है, और बी का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं रिजिड रोटर में, वहीं से हम क्या किए हैं, पुट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं अपन, यहाँ तक के निकाल लिए, ठीक है। ये आ गया, अब नॉन रिजिड रोटर एनर्जी निकालने के लिए हम कॉन्स्टेंट, जिसे क्या होते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन, जिसको क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, है ना। डी का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, क्या है, 4 बी का क्यूब डिवाइडेड बाई न्यू नाट का स्क्वायर, न्यू नाट, अब इतना का वैल्यू क्या है हमारा, नेग्लिजिबल है, 0 टाइप मान सकते हैं इसको। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, न्यू नाट छोटा है बी से, ठीक है। अब इसका आगे हम एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्शन रूल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, तो एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, हमको सिलेक्शन रूल लेना पड़ता है। सिलेक्शन रूल में क्या होता है, डेल जे प्लस माइनस का वन रहता है, प्लस मतलब होता है हायर एनर्जी, माइनस मतलब होता है लोअर एनर्जी, लेकिन अपन को क्या करना है, हायर एनर्जी को लेना है, ठीक है। हायर एनर्जी देखो, जे और जे से क्या हो जाएगा, जे प्लस वन होता है, क्या होता है ये, तो ये लोअर एनर्जी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, हायर एनर्जी लेना है। हायर एनर्जी लेते हैं तो हमको एक इक्वेशन मिलता है, इक्वेशन क्या है, ई बार जे प्लस वन, ठीक है। बी जे प्लस वन, जे प्लस कोष्टक में रहेगा, जे प्लस वन माइनस डी जे प्लस वन का स्क्वेयर होल स्क्वायर हो जाएगा, जे प्लस टू का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रीअरेंजमेंट करना है। तो रीअरेंजमेंट कैसे करना है आपको बता रहे हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऐसे होगा, जे प्लस वन, बी जे प्लस वन और जे प्लस टू माइनस डी जे प्लस वन का होल स्क्वायर, जे प्लस टू का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे देखो, ये प्लस वन को अपन उसको क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, जोड़ने के पास जो वैल्यू आया उसको लिख दिए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो गया। एनर्जी डिफरेंस निकाले हैं तो क्या है, सिलेक्शन रूल मिला, सिलेक्शन रूल से हम क्या किए हैं, सिलेक्शन रूल के हेल्प से हम ये क्या किए हैं, इक्वेशन निकाले हैं। अब हम एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या है, सिलेक्शन रूल लिए थे, अब हम एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, जिसमें दो हम निकाल चुके हैं। एनर्जी डिफरेंस को किससे शो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेल ई बार से, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, डेल ई बार से एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, डेल ई बार हो जाएगा, या फिर इसको क्या करते हैं, न्यू जे प्लस वन,
इससे क्या करते हैं अपन, शो करते हैं। जब शो करते हैं तो क्या होता है, हम दो दो पहले ही हम क्या कर चुके हैं, दो इक्वेशन निकाल चुके हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपस में घटाना है, फिर जो वैल्यू आएगा वही हमारा एनर्जी डिफरेंस होगा। एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमारे को दो वैल्यू घटाना है, दो वैल्यू क्या क्या घटाना है तो हम बता देते हैं। तो ये रहेगा हमारा ई जे माइनस, क्या हो जाएगा, ई जे प्लस वन, ये दोनों वैल्यू को अपन को घटाना है तो हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है देखते हैं, बताते हैं आपको। इसमें क्या हो जाएगा हमारा एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा हमारा, डेल ई बार। ठीक है, डेल ई बार से हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं, और डेल ई बराबर क्या होता है हमारा, डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है, इसको क्या कर सकते हैं, न्यू बार जे प्लस वन हो गया। ये इसको क्या है हमारा, ये एनर्जी डिफरेंस निकालने का क्या है, ये हमारा, ये इसको क्या करते हैं, इसी से शो करते हैं। अब क्या करना है हमको, ई जे प्लस वन बार में माइनस ई जे। ठीक है, ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यू का अपन को क्या करना है, निकालना है, फिर पुट आउट करना है। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसको बताएंगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू रखते जाएंगे, फिर एनर्जी का क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालते जाएंगे। ठीक है, तो उसको वैसे करते हैं। अब देखो ये क्या है, हम जब एनर्जी डिफरेंस निकाले हैं तो हमको क्या निकला, ये हमारा एक वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये वैल्यू हमको याद रखना है, इक्वेशन नंबर वन मान लो। इसी इक्वेशन नंबर में क्या करना है अपन को, जे की वैल्यू रखना है, उसमें एनर्जी क्या कितना कितना है उसको रखना है। जे की एनर्जी 0 रखते हैं तो क्या आता है वैल्यू, जे की एनर्जी 2 रखते हैं तो वैल्यू क्या आता है, ये सबको अपन को करना है। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, एनर्जी डिफरेंस निकाले हैं। एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए डेल ई बार इसको शो करते हैं, इसका मतलब और इसका इक्वल या इसके बराबर या और क्या बोल सकते हैं, न्यू बार जे प्लस वन इसका क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों को क्या किए हैं, ई जे प्लस वन माइनस ई जे को वैल्यू को पुट किए हैं, पुट करने के बाद घटाए हैं तो हमको ये वैल्यू मिला है 2b j+1 माइनस 4d j+1 का क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा क्या है वैल्यू है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जे की वैल्यू रखते जाते हैं। ठीक है, जे की वैल्यू क्या करते हैं, 0 से 1 करते हैं, 1 से क्या करते हैं, 2, 3, 4 ऐसे फर्दर रखते जाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, उसमें हमारा कितना गेप आता है उसको आपको बताते हैं। ठीक है, ये क्या है, हम वैल्यू निकाल चुके हैं, इसी वैल्यू को क्या किए हैं, यहाँ पुट किए हैं, इजे के वैल्यू इससे पहले निकाल चुके हैं, दोनों को क्या किए हैं, पुट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। इक्वेशन वन में क्या करना है अपन को, इक्वेशन वन में ही 0 का वैल्यू, जहाँ 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 जे रहेगा वहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन वन में रखना है हमको 0। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम 0 रख के देखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 से 1 तक, है ना, 0 से 1 तक रखते हैं क्या, जे के वैल्यू, तो हमारा न्यू नॉट इक्वेशन वन में रखना है 0 प्लस 1, है ना, इसी के लिए रखना है, तो हमारा ये हो जाएगा 2b 0+1 माइनस 4d, और क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 0, 0 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स रहेगा, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है हमारा, 0 प्लस 1 1 होगा, इसको क्या करता है मल्टीप्लाई करना है तो 2b ही आएगा, सेम वैसे करना है, ये क्या है 0 से क्या है 1 को करना है प्लस करना है, फिर क्या है क्यूब है तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, और इंटू करना है 4 से तो क्या आ जाएगा हमारा 4d आएगा, ये क्या हो जाएगा 4d। अगर हम क्या करते हैं, जे की वैल्यू को 0 रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2b-4d। ठीक है, ये हो गया, अगर 0 हम क्या करते हैं 1 से 2 के बीच में रखते हैं जे की वैल्यू तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या करना है, जे के जगह में हमको क्या करना है, पूरा 1 रखना है, तो इक्वेशन नंबर इसी में पुट करते जाते हैं, 2b(j+j) का वैल्यू क्या है 1, है ना, और 1 पहले से है इस ये हो गया, और माइनस 4d 1 प्लस स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स
कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, अब जे का वैल्यू निकल रहे हैं, ये वैल्यू हमारे पास समीकरण आ गया है, समीकरण में अपन को जे का वैल्यू रख रहे हैं, जे के वैल्यू से हमको एनर्जी गेप कितना है, एनर्जी डिफरेंस कितना है हमको मिलेगा इसी से, ठीक है। तो पहले जीरो रखे हैं, तो जीरो रखे हैं तो क्या हुआ है, जे जितना जगह जे है उतनी जगह अपन को क्या करना है, जीरो रखना है। जीरो रखते गए हैं, है ना, जीरो रखते गए हैं तो क्या हुआ है, हमारे पास जीरो प्लस वन को जोड़ेंगे तो वन ही आएगा, और गुणा करेंगे तो टू भी आएगा, सेम वैसे ही यहाँ पे आएगा, लेकिन वन किए हैं तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, दो, और दो का गुणा फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार, फोर भी हो जाएगा, ये फोर भी हो गया माइनस। अब देखो वन प्लस वन टू होता है, टू का क्या होगा यहाँ पे, क्यूब, टू का क्यूब कितना होता है, तो आठ, आठ का गुणा किससे करना है, चार से, तो आठ से क्या हो जाएगा, बत्तीस, 32D। अगर अपन क्या करते हैं, जे का वैल्यू को बढ़ाते हैं, एक करते हैं, तो हम उनको क्या मिलता है, 4B-32D, ठीक है, ये मिलता है। अपन जे के वैल्यू को यहाँ फिर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, वन से टू करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये टू से थ्री हो जाएगा, टू रखते हैं अपन, जैसे जैसे इक्वेशन वन में ही रखते जाना है ना, कुछ नहीं रखना है, इक्वेशन वन में रखना है, सबको मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसी में रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ जे है वहाँ अपन को वैल्यू को दो रखना है, तो क्या होता है, 2B, ठीक है, 2+1-4D, और क्या हो जाएगा, फिर 2+1³ सेंटीमीटर इनवर्स, बार बार इसको याद रखना। अब देखो हमारा क्या है, कोष्टक को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम गणितीय माध्यम से जाते हैं, तो बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बोर्ड मास के नियम से यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 2 × 1 = 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्यूब हो जाएगा, तो ये 27, 27 को 4 से गुणा करोगे तो 108 होता है, तो क्या हो जाएगा, 108D, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, जे की वैल्यू को, जे के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम दो रख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6D-108D, ठीक है। अगर 3 रख रहे हैं जे के वैल्यू को, 3 से 4 है ना, तो क्या होता है देखते हैं, 2B+1-4D, और क्या हो जाएगा, 3+1² अब देखो 3 × 4 होता है, 4 × 2 हमारा हो जाएगा 8B माइनस, और 3 × 4 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब कितना होता है, 64 है ना, और 64 को 4 से गुणा करोगे तो होता है 256, ये हमारा क्या हो जाएगा, 256D, ठीक है। ये हम क्या कर दिए, जे का वैल्यू निकाल दिए, जे का वैल्यू निकालने के बाद क्या कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है, आपको बता रहे हैं अब इसका वैल्यू क्या है, ये कहाँ यूज हो रहा है, देखो सबसे पहले क्या किए हैं हम, ये एनर्जी क्या है हमारा, ये डिफरेंस है, सबसे पहले हम क्या निकाले हैं, अगर जे की वैल्यू हम जीरो लिए हैं, जे की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, जीरो लिए हैं, तो जीरो लिए हैं तो क्या आया है हमारा, जीरो लिए हैं तो देखो क्या आया है, 2B-4D। अब क्या कर रहे हैं हम, दूसरा लाइन ले रहे हैं, जे की वैल्यू क्या कर रहे हैं, वन ले रहे हैं, वन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 4B-32D। अब ये दोनों का बीच का दूरी कितना है, ये दोनों का बीच का दूरी कितना है, ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों को आपस में घटाना होगा, तो घटाते हैं तो क्या मिलता है अपन को, ये 2B हो जाएगा, 2B और 32 और 4 मतलब 28D, मतलब इसका गैप कितना है हमारा, 2B-28D, ठीक है। अगर दोनों को घटाए हैं तो बीच का हमारा जो गैप का वैल्यू निकला है ये क्या हो जाएगा, 2B-28D हो जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं, अगर जे की वैल्यू अपन 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, जे का वैल्यू रखते हैं कितना आ जाएगा हमारा, 6B-108 ये डी, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए तो हमको क्या करना होगा, ये दोनों को घटाना होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2B-76D, ठीक है। ये दोनों का बीच का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 2B-76D, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, डी का क्या किए हैं, जे का वैल्यू हम 3 लिए हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8B-24 256 है ना, तो 256 108
आठ, चार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b-1, 4, 8d, ये यहाँ का वैल्यू है। तो आपने देखा है क्या है, b का वैल्यू तो कांस्टेंट है, b का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बट क्या है जो माइनस का वैल्यू है वो क्या है, हमेशा इंक्रीज होते जा रहा है। b का वैल्यू क्या है, हमारा इंक्रीज होते जा रहा है, यही हमारा क्या है, नॉन रिजिड टोटल मॉडल है। ठीक है, यही हमारा क्या है, नॉन रिजिड टोटल मॉडल है। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए अपन, ये जे का वैल्यू अपन निकाले हैं, तो किस में निकाले हैं बता रहे हैं। एक हम एनर्जी डिफरेंस निकाले थे, एनर्जी डिफरेंस निकाले तो हमारा क्या है, हमारा फार्मूला क्या था, ये 2b हो जाएगा, 2b j+1 - 4d, है ना, 4d j+1 का क्यूब और सेंटीमीटर इन्वर्स। इसी में अपन क्या किए हैं, वैल्यू रखते गए हैं, जे का वैल्यू एक बार 0, एक बार 2, एक बार 3, तो हमारा पूरा वैल्यू हमारा आ गया, जो इसको क्या किए हैं अपन, जहाँ रखे हैं, रखने के बाद क्या किए हैं, दोनों का बीच का गैप का वैल्यू अपन निकाले हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉन रिजिड रोटर। नॉन रिजिड रोटर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या देखा इसमें आपको बताते हैं। तो नॉन रिजिड रोटर में हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन देखे, फिर कैलकुलेशन देखे, है ना। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन बता देते हैं फिर से, इसका क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस क्या होता है इसमें चेंज होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्यों चेंज होता है, क्योंकि जब रोटेशन होता है तो इसमें एनर्जी क्रिएट होता है, एनर्जी मिलता है, जब एनर्जी मिलता है तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हमको वो मिलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होता है, क्रिएट होता है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है तो हमारा बी का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आर का वैल्यू क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जो क्या है, एच वाला हम वैल्यू निकाले थे, रिजिड रोटर में निकाले थे, वो वैल्यू आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर दोनों का बीच क्या किए हैं, एनर्जी डिफरेंस निकाले हैं, और ई जे जे प्लस वन और ई जे, ठीक है, दोनों का बीच का वैल्यू हम डिफरेंस करके निकाले हैं, तो हमको ये वाला इक्वेशन मिला है, जिसमें जे का वैल्यू हम बार बार रखे हैं, रखने के बाद हमको जो एनर्जी डिफरेंस मिला है उसको क्या कहें, इसमें चित्र के माध्यम से आपको समझा दिए। ठीक है, ये आपको इतना आपको बनाना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।